नमस्कार दोस्तों, राजीव कुशवाहा की और गुरु चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप देख सकें मेरा वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यामाहा i455 कीबोर्ड में सितार टोन को कैसे मॉडिफाई करें, कैसे बनाएं। तो आइए सीखते हैं यामाहा i455 कीबोर्ड में सितार की टोन को मॉडिफाई करना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, 09 नंबर सितार वन टोन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद फंक्शन बटन को दबाना है, ट्रांसपोज 00 रखना है, ट्विनिंग को छेड़ना नहीं है, 440 हर्ट्ज रखना है, पीबी रेंज 02 रखना है, स्प्लिट पॉइंट 044 रखना है, 54 रखना है, टच सेंस मीडियम 2 रखना है, एम वॉल्यूम 127 रखना है, 127, एम ऑक्टिव 0 रखना है, एम पॉइंट 070 रखना है, एम रिवर्ब 058 रखना है, एम कोरस 000 रखना है, एम अटैक 060 रखना है आपको, एम रिलीज 075 रखना है, एम कटाप 065 रखना है, एम रेजो 072 रखना है। अब आ जाइए डबल वॉइस, डबल वॉइस पे भी सितार बन 009 नंबर की टोन को ही सेलेक्ट करना है, जो पहले कर रखी है आपने वही रखनी है। डबल वॉल्यूम 038 रखना है, डबल ऑक्टेव -1 रखना है, इससे थोड़ा बेस मिल जाएगा, डी पान 064 रखना है, डी रिवर्ब 057 रखना है, डी कोरस 00 रखना है, डी अटैक 076 रखना है, डी रिलीज 064 रखना है, डी कटआप 064 रखना है, डी रेजो 064 रखना है। अब आ जाइए एस वॉइस, स्प्लिट वॉइस, स्प्लिट वॉइस में आपको स्ट्रिंग 086 नंबर टोन को सेलेक्ट करना है, एस वॉल्यूम 024 रखना है, आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, एस ऑक्टेव 1 रखना है, एस पान 064 रखना है, एस रिवर्ब 040 रखना है, एस कोरस 00 रखना है, रिवर्ब हार 303 रखना है, कोरस फ्रेंगर 1-3 रखना है, मास्टर इक्यू स्पीकर 1 रखना है, बाइड बाइड ऑफ 4 रखना है, हार्न टाइप इको 1/16-24 रखना है, हार्न वॉल्यूम 060 रखना है, एआरपी टाइप फ्रेंगर पीसीके 2, एफएनजीआर फ्रेंगर पीसीके 2 070 नंबर सेलेक्ट करना है, एआरपी बेलो ओरिजिनल 1 रखना है, क्वांटाइज 1/16-3 नंबर रखना है। बस आगे के फंक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, स्प्लिट, ये स्प्लिट का बटन, इसको ऑन रखना है, डुअल बटन ऑन रखना है, एक्यूम वॉल्यूम जो कि इधर है इसको भी ऑन रखना है, यहाँ पे ये शो करेंगी, स्प्लिट ऑन रखना है आपको, ड्यूअल बटन ऑन रखना है, एक्यूम ऑन रखना है, और आपका एक बहुत ही बढ़िया सितार बन के तैयार हो गया है। सुनिएगा,
दोस्तों, मेरा यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।